अगर आप एक गरीब व्यक्ति हैं और सोच रहे हैं कि क्या बिजनेस करूं, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, पैसा ज़्यादा नहीं है, है ना, और मैं क्या बेचूं, कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, तो इस वीडियोज को आप ध्यान से ज़रूर देखिएगा। देखिए, इस वीडियोज में मैं एक चीज़ के बारे में बताने वाला हूँ जो हर घर की ज़रूरत है, और एक पीस बेचेंगे तो 40 रुपये 50 रुपये का फ़ायदा आपको होगा, और दिन भर में मैं बता रहा हूँ हर घर की ज़रूरत है तो ज़्यादा बिकने का चांस है, ठीक है, और ये कभी ख़राब नहीं होगा, 12 महीना चलेगा, है ना। और इस पे आप विचार कीजिएगा, जिस आइडियाज के बारे में आपको बता रहा हूँ आप इस पे विचार कीजिएगा और विचार करके कीजिएगा, है ना। तो इस वीडियोज को बड़े ध्यान से देखिए, इंटरेस्टिंग वीडियोज है, गरीब के लिए मददगार रहेगा, है ना, समझिएगा। चैनल में नया है सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए, हर कोई चाहता है ना कि मैं एक ऐसा काम करूँ जो हर घर की ज़रूरत हो, अच्छा एक ऐसा प्रोडक्ट बेचूँ जो कभी ख़राब ना हो और मुझे ज़्यादा मेहनत ना करना पड़े। मतलब मेहनत करने से आदमी घबराता है कि भाई किसी भी काम में मैं ज़्यादा मेहनत करूँगा तो मेहनत ज़्यादा लगेगा, ऐसा नहीं चाहता है कोई भी, मतलब सोचता है कि कोई ऐसा चीज़ मिल जाता जो बना बनाया मिल जाता और मुझे उसमें कमीशन मिलता रहता और वो बिकता रहता। ये जो किताब मेरे हाथों में देख रहे हैं, देखिए मैं थोड़ा सा आपको दिखाता हूँ, ये ना दो किताब मेरे पास है। इस पुस्तक का नाम है, देखिए इस पुस्तक का नाम है ना पैसा है ना नौकरी है क्या करें, नोशन प्रेस। मैं इसको कई बार बताया हूँ लेकिन आज बड़े गहराई से बता रहा हूँ। देखिए, हर कोई यूट्यूबर बनना चाहता है, हर घर में एक दो लोग ऐसे हैं जो यूट्यूबर बनना चाहते हैं। मुझे लगता है जिसके पास स्मार्टफोन है और वो यूट्यूब देखता है तो उसको यूट्यूबर बनने की सपना है कि मैं यूट्यूबर बन जाता, लेकिन उसको आता कुछ नहीं है, उसको आता कुछ नहीं है। क्यों नहीं आता है? क्योंकि वो सीखा नहीं है, वो जानता नहीं है। यूट्यूबर बनना चाहता है, यूट्यूब से पैसे कमाना चाहता है। ये जो बुक है यूट्यूब के ही बारे में है, इसमें यूट्यूब पे ग्रो कैसे होते हैं, चैनल कैसे बनाते हैं, पैसे कैसे आता है, एडसेंस कैसे बनाते हैं, मोनेटाइज कैसे होता है, वायरल कैसे होते हैं, ये सारा कुछ इस किताब में लिखा हुआ है, ठीक है। और अमेजोन और फ्लिपकार्ट पे आप लोग जा करके इसको देखोगे, मैं जानता हूँ, लेकिन वहाँ पे मत जाना। अगर आप इसको बिजनेस से रिलेटेड देखते हैं, देखिए एक किताब खरीदना है तो आदमी कहीं से भी खरीद लेगा, लेकिन मैं आपको कहूँगा आप इस किताब को खरीद कर ऑफलाइन मार्केट में बेच सकते हैं। ऑफलाइन समझते हैं, मतलब ऑनलाइन एक होता है आपके पास यदि चैनल है या कोई ऑनलाइन आप काम करते हैं, ऑनलाइन सामान बेचते हैं तो भी आप इसको बेच सकते हैं। इसको आप, मैं जैसे बता रहा हूँ कि गूगल में सर्च कीजिए, ना पैसा है ना नौकरी है क्या करें, नोशन प्रेस, ये नोशन प्रेस ज़रूर लिखिएगा। और सबसे पहले रेड कलर का इस तरीके से एक वेबसाइट आएगा, उस वेबसाइट से इसको परचेज कर सकते हैं, ठीक है। मैं भी वहीं से मंगाया हूँ। इस किताब को खरीद करके, जैसे मान लो ये इसका प्राइस अगर 460 रुपया है, इसका जो प्राइस है ये 460 रुपये का एक किताब है। अब ध्यान से सुनिए, तो कभी कभी क्या होता है जब आप ज़्यादा संख्या में मटेरियल को खरीदते हैं, ज़्यादा संख्या में, तो इसमें 50 रुपये 60 रुपये 40 रुपये का डिस्काउंट होता है एक पुस्तक में, ठीक है। और ये पुस्तक मैं इसलिए रिकमेंड कर रहा हूँ क्योंकि ये हर घर की ज़रूरत है। अरे इसको आप ऑफलाइन लेकर घूमोगे ना और कोई समझेगा, जान जाएगा कि भैया ये यूट्यूब के बारे में ज्ञान है तो वो खरीद लेगा। कोई भी लड़का, कोई भी महिला, कोई भी पुरुष, कोई भी व्यक्ति यूट्यूब के बारे में कौन नहीं सीखना चाहता, यूट्यूब से पैसा कौन नहीं कमाना चाहता है, किसी स्कूल के बाहर, किसी भी ऐसे जहाँ पे भीड़ लगी है, मोबाइल लोग चला रहे हैं, यूट्यूब का बुक है वो खरीद लेगा। ये 460 रुपये अगर आप खरीदते हो तो इसमें सीखने को भी मिलेगा। तो ये बिजनेस रिलेटेड यदि आपको काम करना है तो मैं कहूँगा गूगल में सर्च करके, अगर आपका कोई दुकान है फिर भी आप इसको मंगा सकते हैं, कोई भी दुकान है, कॉपी किताब का दुकान है तो आप इसको मंगा सकते हैं, आपको खुद स्वयं चाहिए फिर भी आप मंगा सकते हैं। गूगल में लिखिए ना पैसा है ना नौकरी है क्या करें, नोशन प्रेस, आप वेबसाइट जो रेड कलर का आएगा उस पर टैप कीजिए, टैप करके परचेज कर लीजिए 460 रुपये। कभी कभी मैं बोल रहा था कि कभी कभी इस पर ऑफर भी आते रहते हैं कि जैसे 10 बुक लिया, 50 बुक लिया, 40 बुक लिया तो आपको इसमें डिस्काउंट मिलता है, ठीक है। जैसे अमेजोन पे कभी कभी डिस्काउंट मिलता है, ठीक वैसे नोशन प्रेस पे भी इसमें डिस्काउंट मिलता है। तो ये प्रोडक्ट मैं बिजनेस रिलेटेड बता रहा हूँ, अगर आप इस प्रोडक्ट को, किताब को यदि आप बेचते हो तो ये बिकेगा, हर घर की ज़रूरत है, और ऑनलाइन खरीद करके बेचोगे तभी फ़ायदा होगा, ठीक है। ऑफलाइन भी खरीद करके चाहो तो आप बेच सकते हो, ऑफलाइन खरीदना होगा तो कमेंट कीजिएगा, अगर कहीं होगा तो मैं आपको उपलब्ध करा दूंगा, लेकिन आप ऑनलाइन खरीदना चाहते हैं तो गूगल में या क्रोम ब्राउजर में जा करके सर्च कीजिएगा
कि ना पैसा है ना नौकरी है, क्या करें। नौशन प्रेस, नौशन प्रेस से ये बुक छपी हुई है, नौशन प्रेस से आप मंगाएंगे तो ये सस्ता मिलेगा। और मैं बता रहा हूँ कि हर घर की ज़रूरत है, हर व्यक्ति इसको खरीदना चाहता है, हर व्यक्ति इसको पढ़ना चाहता है, क्योंकि उसको यूट्यूब से पैसे कमाना है। और यूट्यूब से पैसा ये अगर पढ़ लेता है ना, और इस जो बातें इसमें लिखी हुई है उस बातों पर फॉलो कर लेता है, तो वो यूट्यूब से पैसा कमाने भी लगेगा कुछ समय के बाद। मैं ये नहीं कहता कि वो सफल ही हो जाएगा, लेकिन इतना पक्का है कि अगर वो इस बात को समझ जाएगा तो वो सफल भी हो जाएगा। क्योंकि ये जिस भी व्यक्ति ने इस पुस्तक को लिखा है, ये पुस्तक वो पहले ऑलरेडी कमा रहा है, तभी वो आपको बता रहा है, ठीक है। तो समझाना मैं ये चाहता हूँ कि अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं तो एक ऐसा प्रोडक्ट लेके मार्केट में घूमो जो कि हर घर की ज़रूरत है, हर व्यक्ति उसको पढ़ना चाहे, खरीदना चाहे, ठीक है। और ये कभी ख़राब नहीं होगा, इसका कोई वैधता नहीं है, सेफ रहेगा, पानी मतलब बारिश धूप आग से बचा के रखेंगे तो ये सेफ ही रहेगा। घर में यार पढ़ने वाली चीज़ है, कौन सा खराब, दाल थोड़ी है, सब्जी थोड़ी है कि खराब हो जाएगा, आलू प्याज थोड़ी है कि सड़ जाएगा, अरे पुस्तक है, ये आजीवन काम आएगा, ठीक है। आप इसको बिजनेस करना चाहते हैं तो मेरे बात को सुन लीजिएगा ध्यान से, आप इसको खरीद करके ऑफलाइन या ऑनलाइन आप इसको बेच सकते हैं, नौशन प्रेस से मंगा करके। गूगल में टाइप करेंगे ना पैसा है ना नौकरी है नौशन प्रेस, तो गूगल वो उस वेबसाइट पे जाएंगे नौशन प्रेस का, और वहाँ से इसको आप परचेज कर सकते हैं। वहाँ पे अगर इकट्ठा परचेज करेंगे तो आपको डिस्काउंट मिलेगा, अगर नहीं मिल रहा है तो कमेंट कीजिए, जैसे 50 पीस चाहिए 100 पीस चाहिए तो आप कमेंट करेंगे, तो मेरे पास अगर कोई व्यवस्था होगा तो मैं उपलब्ध करा दूंगा, ठीक है। लेकिन आप ऑनलाइन मंगा लें तो बेहतर है, क्योंकि मेरे पास बहुत ज़्यादा टाइम लग सकता है, क्योंकि मैं इस पर ध्यान देता नहीं हूँ। मैं ये बिजनेस लीडर आपको बता रहा था, अगर आपको ज़रूरत होगी करना है तो आप खरीद करके बेच सकते हैं। चलो अगर 460 रुपये का पुस्तक है, अगर 500 में भी दे रहे हैं ऑफलाइन, फिर भी लोग खरीदेंगे खुशी खुशी, क्योंकि आप उतना मेहनत करके और आप उनको प्रोवाइड कर रहे हो, उनको टाइम नहीं लगेगा, घर में दुकान में है, दुकान से वो खरीदेंगे। अगर दुकान में रहेगा, पास में रहेगा, तभी आप बेच सकते हैं, ठीक है। तो मंगा के आप रख सकते हैं और रख लीजिएगा। तो शायद मैं जो समझाना चाह समझ में आया कि ये पुस्तक कहाँ मिलेगा, हर घर की ज़रूरत है, कौन कौन खरीदना चाहेगा, हर कोई खरीदना चाहेगा, सब समझ में आया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियोज़ को भी लाइक अवश्य कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, खुश से बांटते रहिए। जय हिंद।